हेलो वेलकम बैक टू चैनल सो इन दिस वीडियो वी विल टॉक अबाउट अर्ली इंग्लिश कॉमेडीज एंड अर्ली इंग्लिश ट्रेजिडीज सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो तो, तो फ्रेंड्स अगर हम ओल्ड इंग्लिश ड्रामा की बात करें तो इसमें हमें रोमन मॉडल्स का बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस देखने को मिलता है यहां पर कॉमेडी में इन्फ्लुएंस था प्लॉटस और टेरेंस का जबकि ट्रेजिडी में इन्फ्लुएंस था सैनिका का अब अगर अर्ली इंग्लिश कॉमेडीज की बात करें तो फर्स्ट रेगुलर ड्रामा जो कि कॉमेडी की, की फॉर्म में लिखा गया हो वो था राल्फ रोएस्टर डोस्टर और ये लिखा था निकोलस यूडल ने जो कि हेड मास्टर थे एटन के ये जो वर्क है ये बेसिकली टेरेंस एंड प्लोटस के वर्क से इंस्पायर्ड होकर लिखा गया था फिर भी ये एक वेल well ऑर्डर्ड और वेल प्लान प्ले है इसमें राल फ्रोस्टर डोएस्टर नाम का एक कैरेक्टर है जो कि प्रोटेगनिस्ट है जो कि हीरो है वो एक बोस्टफुल पर्सन है और ये प्ले जो है ये बहुत ही अच्छी कॉमेडी कही जाती है सेकंड कॉमेडी है गैमर गर्टन्स निडिल जो कि बहुत ही अच्छी कॉमेडी मानी गई थी और ये बेसिकली बेस्ड है एक निडिल के लॉस पर और उससे जुड़ी हुई इंटरकेसीस और जेलिस के ऊपर ये बेस्ड है कि एक निडिल का लॉस हो जाता है और उसके बाद क्या क्या चीजें वहां पर हैपन होती हैं बेसिकली यही इसका थीम है इसमें बहुत ज्यादा कॉमिक एलिमेंट्स हैं और इसमें रूरल सेटिंग रखी गई है इसमें कैरेक्टर्स भी रूरल टाइप के हैं जो बातचीत करते हैं वो भी कंट्री डायलेक्ट है और नेचुरलिस्टिक डायलॉग्स हैं इसमें गैमर गर्टन्स निडिल एक डोमेस्टिक कॉमेडी है इसमें जो लाइफ को रिप्रेजेंट किया गया है वो पीजेंट क्लास है वो बहुत हाई लेवल का क्लास नहीं है वो पीजेंट क्लास है रूरल सेटिंग है और डायलैक्ट जो है वो भी बहुत ही ज्यादा सिंपल डायलैक्ट है तो ये एक तरह से डोमेस्टिक कॉमेडी कही गई थी और इसको इसको बेसिकली माना जाता है है ऐसा कि विलियम ने लिखा है। अब अर्ली इंग्लिश ट्रेजिडीज की बात करें तो पहला इंग्लिश ड्रामा जो ट्रेजिक फॉर्म में लिखा गया हो वो था गोरबोडक जिसको बाद में फेरेक्स एंड पोरक्स भी कहा गया और ये लिखा गया था नॉर्टन एंड थॉमस थॉमसिल के द्वारा जो कि परफॉर्म हुआ था वाइट हॉल में क्वीन एलिजाबेथ के सामने 1561 से 1562 के बीच में ये सेनिका के में इन्फ्लुएंस लिखा गया था मींस ये जो सैनिका थे वो बहुत ही बड़े रिवेंज ट्रेजिडीज लिखा करते थे वो एक रोमन ट्रेजिडी राइटर थे और उनकी ट्रेजेडी बहुत ज्यादा हॉरर ब्लड और इन्हीं सब चीजों से भरी हुई होती थी और ये जो वर्क है गॉरबोडक इसमें सभी सैनिकन क्वालिटीज पाई जाती हैं जो कि सैनिका की, की ट्रेजडी में पाई जाती हैं वो सारी क्वालिटीज इस वर्क में पाई गई थी ये बहुत ही ज्यादा सीरियस ट्रेजडी है और उसमें ग्लूम देखा जाए तो पूरे एंटायर प्ले में हमें ग्लूम देखने को मिलता है बहुत ही ज्यादा सीरियसनेस देखने को मिलती है अब अगर इसकी स्टोरी की बात करें तो उसमें गॉरबोडक नाम का एक अर्ली इंग्लिश किंग है जो कि अपने किंगडम को डिवाइड करना चाहता है अपने दोनों बेटों फेरेक्स और पोरेक्स के बीच में और वो ऐसा करता भी है वो डिवाइड कर देते हैं अपने किंगडम को फेरेक्स और पोरक्स के बीच में जो उनके दो सन रहते हैं अब होता क्या है कि ये जो पोरेक्स रहता है ये किल कर देता है फेरेक्स को और इसकी माँ जो इनकी मदर है वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती हैं एंड आउट ऑफ रिवेंज वो किल कर देती हैं मर्डरर को जो कि होता है पोरक्स अब इस इंसिडेंट से जो भी यहाँ पर किंगडम में चल रहा था इन सब चीजों से जो वहां की पब्लिक होती है जो पीपल्स होते हैं वो गुस्सा जाते हैं और वो सारे लोग किंग और क्वीन के अगेंस्ट में खड़े हो जाते हैं और इसके बाद वो इनको पनिशमेंट देते हैं सो so, इस वीडियो में इतना ही थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो